हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया बाल वीरों से संवाद, हर साल 26 बच्चे किए जाते हैं सम्मानित। पीएम ने कहा बाल वीरों से हमें मिलती है प्रेरणा। बलराज कुंडू ने ग्रोवर विवाद पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनीष ग्रोवर ने दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई। कुंडू ने ग्रोवर पर फिर से लगाए घोटाले का आरोप। सिरसा दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जेजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठन मजबूती और पार्टी विस्तार पर करेंगे मंथन, पत्रकारों से भी हो सकते हैं रूबरू। रामकुमार गौतम के वायरल वीडियो पर अनूप धानक ने दिखाए सख्त तेवर, बोले ऐसी भाषा को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वीडियो में रामकुमार ने दुष्यंत चौटाला पर की थी टिप्पणी। पंचकुला हिंसा मामले में आज की सुनवाई हुई पूरी, मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। हनीप्रीत समेत सभी आरोपी हुए पेश। गुरुग्राम में अवैध शराब कारोबारियों के दो गुटों में खूनी संघर्ष, एक गुट ने दूसरे गुट पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से किया हमला, हमले में 2 से 3 लोग गंभीर रूप से घायल, खूनी संघर्ष का वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम के धनकोट गांव के सरकारी स्कूल में बड़ी लापरवाही के मामले में कार्रवाई, आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ किया गया मामला दर्ज, हरियाणा न्यूज ने खबर को दिखाया था प्रमुखता से। उगलाना के ढाया बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही आई सामने, योजना से वंचित 20 से 30 परिवार कई बार फॉर्म भरने के बाद भी नहीं मिला योजना का लाभ। फरीदाबाद में सीआरपीएफ जवानों की बहादुरी से पकड़ा गया चेन स्नैचिंग का आरोपी, गंभीर घायल होने के बाद भी आरोपी को कराया था गिरफ्तार। घरौंडा के सरकारी स्कूल में स्किल लैब की शुरुआत, सांसद संजय भाटिया ने किया उद्घाटन, प्रदेश के 100 स्कूलों में स्किल लैब्स होगी स्थापित।